हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कमाल के नई मशीनें व काम को आसान बनाने के आधुनिक तरीके लेकर आया हूं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आ सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1, फोम टाइल्स। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को अपने घरों के अंदर कारपेट बिछाते देखा होगा, लेकिन कारपेट महंगे होने के कारण हर कोई उन्हें यूज नहीं कर पाते। तो उसकी तुलना में आजकल लोग कुछ इस तरह के रबर से बने फोम टाइल्स का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ये कारपेट की तुलना में ज़्यादा सस्ते और आसानी से इसे फर्श पर बिछाया जा सकता है। इन फोम टाइल्स में सांचे बने होते हैं, जिस कारण ये एक दूसरे से इजली फिक्स हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये फोम टाइल्स आपको मार्केट में अलग अलग कलर में भी मिल जाते हैं। नंबर 2, ग्रीमे GH8। दोस्तों, आलू की खेती में जब आलू के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब उन पौधों को झुकने व गिरने से रोकने के लिए उन पौधों के चारों ओर मिट्टी को फावड़े की मदद से थोड़ा ऊंचा किया जाता है, जो कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत व समय दोनों लग जाते हैं। वहीं यह मशीन इस काम को बड़ी सफाई से कर देती है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे यह मशीन बिना रुके आलू के पौधों में राइजिंग हिलर करते जा रहा है। नंबर 3, फन एंड रन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि घोड़े कितने ज़्यादा महंगे होते हैं, और अगर हम बात करें रेस में दौड़ने वाले घोड़े की, तो वो दो गुने महंगे होते हैं। तो ऐसे में इन घोड़ों की सही से देखभाल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिसमें घोड़े के खुरों की देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वे हर एक सरफेस में आसानी से चलने के साथ साथ दौड़ सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है यह कमाल का आविष्कार, जो घोड़े के खुरों को दो गुना मजबूत बनाकर उन्हें और भी फुर्तीला बना देता है। इसको लगाने से घोड़े खुरे में होने वाले हर तरह के बीमारियों से बचे रहते हैं, और वे हर तरह के सरफेस में आसानी से चल पाते हैं। नंबर 4, रेडी रॉक। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बारिश के समय भूस्खलन होना एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसके कारण कई लोगों के घर टूट जाते हैं। तो इसी से बचने के लिए आजकल पहाड़ी इलाकों में घर बनाने के लिए कुछ इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि बारिश के समय मिट्टी कमज़ोर हो जाने के कारण घर धंसने लगते हैं। इस तकनीक में घर को दोगुना मजबूत बनाने के लिए इन बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इन ब्लॉक्स में कंक्रीट के गोल गोल सांचे बने होते हैं, जिस कारण ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। नंबर 5, एसी ट्रैक्टर अटैचमेंट। दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ऐसे भी मौके आते हैं जब हमें खेतों में या फिर कहीं पर नाली बनानी होती है, या फिर कहीं गड्ढा खोदना होता है, जिसके लिए नॉर्मली हम JCP मशीन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास ट्रैक्टर है, तो आप इस मशीन को अपने ट्रैक्टर से अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आपका ट्रैक्टर एक JCB मशीन की तरह ही बन जाता है। इस मशीन का यूज़ करके आप लगभग 10 फीट की गहराई तक गड्ढा खोद सकते हैं। तो दोस्तों, आज को जो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।